हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया कि 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, उसी में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, आधारिक संरचना। कल एक हम लोग अपना क्वेश्चन कर रहे थे कि आधारिक संरचना को विभाजित करने वाले दो वर्गों की व्याख्या करी थी हमने। तो एक सामाजिक वर्ग देखा था, एक हमने आर्थिक वर्ग देखा था, और एक दूसरे की इन पर आपकी निर्भरता को हमने देखा था। ठीक, तो सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना पर निर्भरता को हमने देख लिया था। क्लियर है? आज हमें बेसिकली आर्थिक संरचना की सामाजिक संरचना पर जो आपकी निर्भरता है, उस निर्भरता को हमको गौर करके थोड़ा सा इसमें वो आपका देखना है। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या है। कह रहे हैं कि ये बोले शिक्षित और स्वास्थ्य लोग ही परिवहन और संचार सुविधा का उत्पादन करते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षित तथा स्वस्थ लोग ही परिवहन सेवाएं तथा संचार सेवाओं में ऊर्जा का क्या है उत्पादन करते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में एक व्यवस्था में अच्छी आधारिक संरचना उपलब्ध नहीं होती वहां एक अच्छा सामाजिक संरचना होने की आशा नहीं कर सकते। वहां पर एक अच्छी सामाजिक संरचना होने की आशा नहीं कर सकते हैं। संचार एवं परिवहन स्वास्थ्य सेवाएं भी उपयोग को प्रभावित करती है। संचार स्वास्थ्य शिक्षा भी
उपयोग को प्रभावित करती है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों, चलिए हो गया कॉपी, ये पेज करें। जल्दी करें, चलिए कर लिया आपने, आगे बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन है, आधारिक संरचना उत्पादन में संवर्धन कैसे होता है। बेसिकली हमें इसका आंसर देखना है। ध्यान रहेगा कि आधारिक संरचना उत्पादन में संवर्धन कैसे होता है, हमको बेसिकली जो है आपका ये देखना है इसके अंदर। ठीक, देखिए आधारिक संरचना वे आधारभूत सेवा प्रदान करते हैं। कह रहे हैं आधारिक संरचना वे आधारभूत सेवाएं प्रदान करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। क्या होती है? जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनकी आवश्यकता सभी क्षेत्र में है तथा जिनकी आवश्यकता सभी क्षेत्र में है। कैसा है? सभी क्षेत्र में है। जैसे संरचनात्मक ढांचा प्रणाली समर्थन,
पहला देखिए, संरचनात्मक ढांचा प्रणाली प्रणाली है जिसमें आधुनिक उद्योग की व्यवस्था है, प्रणाली है जिसमें आधुनिक उद्योग की प्रणाली है। ठीक, कैसे है आधुनिक जो उद्योग है उसकी प्रणाली है जिस पर अर्थव्यवस्था कार्य कुशलता निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था कार्य कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। क्या है? उस पर आपका निर्भर करती है। देखिए, आधुनिक किसी भी काफी हद तक आधुनिक कृषि भी काफी हद तक तथा तीव्र एवं बड़े पैमाने पर एवं बड़े पैमाने पर कीटनाशक उर्वरक उर्वरक बीज आदि के लिए बीज आदि के लिए आदि के लिए परिवहन तथा उत्पादन उत्पादन के लिए ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ता है। कहाँ आपका रहना पड़ता है? ऊर्जा पर आपका डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आधुनिक समय में कृषि एवं बीमा उद्योग आधुनिक समय में कृषि एवं बीमा बैंकिंग कृषि बीमा एवं बैंकिंग सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यह है, इन पर आपका निर्भर रहना पड़ता है। संरचनात्मक ढांचा हमें शिक्षित लोग प्रदान करते हैं। संरचनात्मक ढांचा
हमें शिक्षित लोग प्रदान करते हैं। जिनकी उत्पादकता अनपढ़ एवं अकुशल लोगों से कहीं अधिक होती है, जिनकी उत्पादकता अशिक्षित तथा अकुशल लोगों से अधिक होती है। कैसी होती है? उनसे अधिक होती है। इतना रहने दीजिए और एक एक करके हर पेज को अच्छे से कॉपी करते हैं। करिए एक लिख लीजिए इसको। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़े। अगर आपने कॉपी कर लिया है तो चलिए अगला पेज कॉपी करें। हो गया बच्चों, जल्दी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, इसको लिखिए लास्ट लाइन को, जो लास्ट पेज है, जल्दी करें। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करें। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सरल है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना की क्या स्थिति है, ये हमको देखना। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, भारत में आधारिक संरचना की ग्रामीण क्षेत्रों में क्या
क्या स्थिति है? देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित संरचना की बहुत दयनीय है स्थिति है। कैसी है? बहुत दयनीय स्थिति है। और उसी में पहला हेडिंग डालते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा में देखते हैं, देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत के 56% परिवारों के पास ही बिजली उपलब्ध है। कैसा है? ठीक है, भारत के ग्रामीण परिवार लगभग 45% परिवारों में मिट्टी के तेल पर निर्भरता है। क्या है? मिट्टी के तेल पर निर्भरता है। तथा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से भी ज्यादा खाना बनाने में जैव ईंधन का उपयोग किया जाता है। कैसा है? इनका उपयोग किया जाता है। अब इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ जाएं।
हो गया बच्चों पेज कॉपी, ये वाला पेज कॉपी करें आप, जल्दी करिए। चलिए कर लिया बच्चों। अभी देखिए इसका और पार्ट भी बचा हुआ है, जिसको हम जो है शेष जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको देखेंगे, क्लियर है, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। अब जैसे जल है, अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जल आएगा और फिर क्या आएगा, सफाई आएगा, और ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें गौर करके देखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।